हेलो दोस्तों, नमस्ते। आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ, उसका नाम है पौष्टिक जूस। तो चलिए हम कैमरे की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये जूस किस तरह से बनाया जाता है और इसके लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हमने 2 एलोवेरा लिया है, आधा चुकंदर लिया है, 2 हमने गाजर लिया है, काली मिर्च पाउडर लिया है और काला नमक लिया है। अब हम एलोवेरा लेंगे। अब इसका ऊपर का जो भाग है वो हम निकाल देंगे। ये हमारे घर में ही लगा हुआ था इसलिए हमने इसको ताजा ताजा तोड़ा है। यदि आपके घर में एलोवेरा नहीं लगा हुआ है तो आप बाजार से भी ले सकते हैं, एलोवेरा जूस मिलता है बाजार में। अब देखिए ये चारों तरफ के जो छिलके हैं वो हम इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से ये निकलता है और ये हम बीज का जो जूस है वो इस तरह से काट के डाल देंगे। इस तरह हमने ये दूसरा है वो भी लिया है, वो भी हम ऐसे छिलके निकाल देंगे उसके। अब हमने एलोवेरा के पीस काट दिए हैं, अब हम गाजर काट रहे हैं। इस तरह से छोटे छोटे पीस डाल देंगे काट के। ये हमने शलगम लिया है वो भी हम इस तरह से पीस काट के डाल देंगे। वैसे बहुत से लोग इसको उबाल के भी बनाते हैं लेकिन उबाल के जो बनाते हैं उसमें इतना पौष्टिक नहीं रहता है। अब देखिए ये हमारे कट चुके हैं, अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये 1/2 गिलास हमने पानी डाल दिया। अब इसका ढक्कन लगा देंगे और हम इसको पीस लेंगे। अब हमारा पीस चुका है, अब इसे हम ढक्कन हटाते हैं। ये देखिए अब हमारा पीस चुका है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर हम चलनी रख देंगे और हम इसको छान लेंगे। अब इसको हम ये चला देंगे जिससे इसका भी जो है गूदा है उसका रस निकल जाएगा। इस तरह से हम इसका अच्छी तरह से निकाल देंगे। अब हमारा ये छन चुका है, अब ये जो ऊपर का गूदा निकला है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं तो उसमें आटे में डाल सकते हैं और आप पराठे रोटी बना सकते हैं और ये बहुत पौष्टिक रहता है तो आप इसको जरूर बनाइए। अब हमने एक गिलास ले लिया है, उसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे और 1 चम्मच हम काली मिर्च डाल देंगे। अब ये जूस हम इसमें डाल देंगे। अब देखिए हमारे गाजर, चुकंदर, एलोवेरा उसका हमारा जूस बन चुका है। अब हम इसको चम्मच से चला देंगे तो मसाला हमारा मिल जाएगा। और आप मसाला भी ना डालें तो भी इसमें मीठा लगता है ये, और आप वैसे भी पी सकते हैं। अब हमारा जूस पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइए क्योंकि स्फूर्तिदायक है और ये पौष्टिक, बहुत बहुत पौष्टिक है। और आप ज़रूर बनाइए और पिलाइए सबको। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।